कोनिच्चिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम प्लैनर के एपिसोड 23 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर इससे पहले अगर तुम लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो पहले देख लो, प्लैनर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, और जिन्होंने देख लिया है एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम डॉन, सोनहरा और लिच को देखते हैं। इन तीनों की लड़ाई अब शुरू हो चुका है। सोनहरा और डॉन दोनों ही लिच के ऊपर हमला करते हैं, और लिच इन दोनों के हमले से बचने की कोशिश करने लगता है। लिच जितनी भी बार सोनहरा की गोलियों को डॉच करता है, सोनहरा की गोलियां उतनी ही बार लिच को फॉलो करने लगता है, और डॉन अपने ग्रेविटी पावर को सोनहरा की गोलियों से मिला देता है, जिससे वो गोलियां और भी ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाता है, और ये गोलियां लिच को लग जाता है। इस तरह पहले भी इन लड़ाई को देख के समझ जाता है कि लिच कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर दोनों इसके साथ एक साथ ही मुकाबला करना ये लिच के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर हीना बोलती कि उसे यकीन है कि लिच ठीक होगा, क्योंकि उसे लिच पर भरोसा है, और वो बोलती है कि अभी इन लोगों को लिन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब डॉन फिर से लिच को अपने ग्रेविटी बॉल में कैद कर लेता है। वो लिच को बोलते कि उसका फ्लैशिंग स्ट्राइक उसके इस ग्रेविटी बॉल के अंदर कोई भी काम नहीं आने वाला। तभी सोनहरा लिच के ऊपर फायर करते हुए बोलती है, वो बोलती कि वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे एस बनने का मौका मिल रहा था, क्योंकि क्लास वन ए में बहुत सारे काबिल स्टूडेंट थे और उसे ही एस बनने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि एस बनने के बाद रिहितो और सोनहरा साथ में ही रहेंगे, पर लिच इस बात के लिए नहीं माना, जिससे सोनहरा बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। सोनहरा फिर से लिच को बोलती कि एस बनने के बाद वो आखिरकार रिहितो के पास आने ही वाली थी, पर फिर से रिहितो ने उनको पीछे छोड़ दिया। वो बोलती है कि क्या उसको रिहितो के साथ रहने के लिए और लोगों को मारना पड़ेगा। डॉन अब लिच को बोलता है कि सोनहरा ऐसी बातें बोल रही है, इसका कारण बस रिहितो है। अगर रिहितो उसके लाइफ से दूर रहता तो सोनहरा कभी भी ऐसे नहीं बोलती, जिसके बाद हमें पास्ट एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सोनहरा डॉन को रिहितो के बारे में तारीफ कर रही थी। वो बोल रही थी कि कैसे रिहितो ने उसको बुले होने से बचाया। डॉन बोलता कि उस समय के बाद सोनहरा हमेशा रिहितो सेनपाई करती थी। वो लिच को बोलते कि जब भी रिहितो सोनहरा के पास रहती थी तब सोनहरा खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, पर जब भी रिहितो उससे दूर रहता था तब सोनहरा डरी रहती थी और खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। डॉन बोलता है कि उस दिन के बाद से सोनहरा एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी, वो बस रिहितो के पास रहना चाहती है ताकि वह खुद को सुरक्षित महसूस करे। डॉन बोलता है कि सोनहरा ना ही कुछ देखती है और ना ही कुछ सुनती है, चाहे जो भी हो वो बस रिहितो के साथ रहना चाहती है। अब सोनहरा फिर से लिच को ऊपर फायर करते हुए बोलती है कि रिहितो उनको कितना भी पीछे छोड़ दे पर सोनहरा बार बार रिहितो के पीछे आएगी। वो बोलती है कि वो रिहितो के साथ रहने के लिए बहुत सारे लोगों को मारेगी। डॉन अब लिच को बोलता है कि रिहितो सोचता है कि उसने बस सोनहरा को बचाया है, पर असल में रिहितो ने सोनहरा को एक अनजान पिंजरे में कैद कर दिया है, और उस पिंजरे में बस सोनहरा ही नहीं बल्कि पूरा क्लास वन ए फंस गए थे, और वो पिंजरा है एक आर्मी जो कि नहीं मारता, और इस सपने की वजह से बाद में उन लोगों ने खुद को ही मार दिया। डॉन बोलते कि क्लास वन ए के सभी स्टूडेंट्स मारे गए, इसका जिम्मेदार बस रिहितो है। अगर वो लोग एक आर्मी जो नहीं मारता उस ड्रीम को फॉलो नहीं करते तो वो लोग खुद को नहीं मारते। फिर डॉन रिहितो से पूछता है कि रिहितो ने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा। फिर हमें एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रिहितो जंग के मैदान पे डॉन को बोलता है कि वो लोग बच्चों को क्यों मारेंगे, जिसके जवाब में डॉन बोलते कि ये एक युद्ध का मैदान है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सब करने वाले वो आखिरी लोग हों। इस तरह लिच डॉन को समझाने की कोशिश करता है कि वो कुछ भी नहीं भूला है, पर डॉन लिच को बोलता है कि वो लिच से कोई भी बातें नहीं करना चाहता। तभी नाना बीच में आ जाती है। वो डॉन को बोलते कि रिहितो ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, इसलिए वो लोग उनको और ना सताएं। तभी डॉन नाना को दूर हटा देता है, जिसके बाद डॉन किली और हिना के ऊपर भी हमला करती है, और उन दोनों के ऊपर हमले की वजह से लिन का ट्रीटमेंट वहीं पे रुक जाता है, जो कि लिन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डॉन लिच को बोलते कि फिर से उसके दोस्त उसकी वजह से मरने वाले हैं। तभी लिच बोलते कि वो अब उसके दोस्तों को मरने नहीं देगा, और उसके आंख में फिर से काउंट आने लगता है, यानी कि वो फिर से एस में बदलने वाला है। ये देख के सोनहरा और डॉन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी उधर एक धमाका होता है और धुएं से बाहर आता है जेल। वो लिच को बोलता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी लिच फिर से वही बेवकूफ़ी करने जा रहा था। जेल को देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक उम्मीद जगता है। लिच जेल से पूछता है कि वो इधर क्या कर रहा है। जेल बोलता है कि उसने इससे वादा किया था कि वो हिना और बाकी सभी का ख्याल रखेगा। जेल बोलता है कि वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि यही उसका भरोसा है। जेल लिच को बोलता है कि वो सोनहरा को संभालेगा और लिच डॉन को संभाले। तभी लिच और डॉन के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाता है। इस तरफ सोनहरा जेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि लिच बस इस बनने ही वाला था, पर तभी जेल आ गया और फिर वो जेल के ऊपर अपने गोलियों से हमला करने लगती है, पर एक भी गोली जेल को नहीं लगता। सोनहरा समझ नहीं पाती कि उसकी गोली उसको क्यों नहीं लग रहा,
पर वो खुद को समझाती है कि जेल दुश्मन है और वो रीतो से उसको अलग कर देगा, इसलिए वो फिर से गोली से हमला करती है। पर अभी भी जेल को कोई भी गोली नहीं लगता। इस तरफ नाना नोटिस करती है कि जेल के पास बस एक ही काउंट है। ये देखने के बाद सोनहरा जेल से बोलती है कि वो भी रीतो की तरह एक एस है और बस एक काउंट लेके वो सोच भी कैसे सकती है कि वो उससे जीत भी सकती है। जेल सोनहरा को बोलता है कि वो लिच की तरह नहीं है। ये सुन के सोनहरा गुस्सा हो जाती है। वो जेल को बोलती है कि वो रीतो के जैसा ही है और वो अपने स्नाइपर से जेल के ऊपर गोली चलाने लगती है, पर फिर भी जेल को एक भी गोली नहीं लगता। सोनहरा को तब याद आता है कि जेल ने बस एक ही आयरन के टुकड़े से लिच के हमले को रोक दिया था जब लिच एक एस था। जेल सोनहरा को बोलता है कि वो इस हालत में जेल को कभी भी नहीं हरा सकती। सोनहरा बोलती है कि उसका काउंट बस एक है, इसलिए वो इस आयरन के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं बना सकता, और फिर से वो गोली चलाने लगती है, पर फिर भी जेल को एक भी गोली नहीं लगता। और अब जेल सोनहरा के पास आने लगता है, जिसको देख के सोनहरा डर जाती है और वो अपना स्नाइपर फेंक के एक पिस्टल से जेल के ऊपर हमला करती है, पर फिर भी जेल को एक भी गोली नहीं लगता, जिससे सोनहरा इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो अब जेल के ऊपर हमला भी नहीं कर पाती। जेल तब सोनहरा के पास चला आता है। वो सोनहरा को बोलता है कि 300 साल पहले उसने सोनहरा को कहा था, अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, बस तभी वो ताकतवर बन पाएगी। ये सुन के सोनहरा घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगती है। वो बोलती कि वो जेल को नहीं मारना चाहती। इस तरफ डॉन और लिच की लड़ाई अभी भी चालू है। लिच डॉन को बोलता है, डॉन तुम सही हो, मैं अपने वादे तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। ये दुनिया गलत है क्योंकि इधर कुछ पाने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है, खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों से छीनना पड़ता है। हमने ऐसी दुनिया बनाने की कभी भी कोशिश नहीं की थी, इसलिए मैं फिर से कोशिश करूंगा, एक आर्मी जो नहीं मारता, अपने बचे हुए दोस्तों के साथ। इसलिए डॉन प्लीज हमारे साथ आ जाओ। क्या तुम अभी भी नहीं समझे बेवकूफ, एक युद्ध तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम दुश्मनों को मार ना दे या फिर दुश्मन हमें मार ना दे। हमें यह गलती सुधारनी होगी डॉन, जिसके बाद ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और दोनों को ही चोट आ जाता है। अब लिच बोलता है, डॉन क्या तुम्हें वो युद्ध याद है? मैं कैसे उस बात को भूल सकता हूँ, तुम्हें मेजर सिमरमैन की ज्यादा जीन्स मिलने की वजह से तुम युद्ध के मैदान पर किसी भी बच्चों को नहीं मार पाते थे, और जब दुश्मनों को ये बात पता चला तब उन लोगों ने कुछ बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया और वो लोग तुम्हें मारने आए, और तब तुमने मेरा जान बचाया डॉन उन बच्चों को मार कर। तो फिर तुम क्यों नहीं समझते बेवकूफ, अगर तुमने एल्सिया को गिरा दिया तो फिर एप्स के साथ हमारा युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर से हमें खून बहाना पड़ेगा, लोगों को मारना पड़ेगा। क्या तुम्हें फिर से एक युद्ध लड़ना है? बिल्कुल नहीं डॉन, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता, पर हमने बहुत सारे खून बहाया है और हम उनके बलिदानों को ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकते। मैं इस दुनिया को उन लोगों की मौत का कारण नहीं बनने दूंगा डॉन। तो फिर ठीक है, इसे खत्म करने के लिए हम दोनों में से कोई एक ही बचना चाहिए, तभी ये खत्म होगा। अब डॉन लिच के ऊपर एक नया हमला करता है। डॉन के काफी सारे ग्रेविटी बॉल्स लिच के चारों तरफ घूमने लगता है और डॉन के कहने पर वो लिच के ऊपर हमला कर देता है, पर उसको छूने से पहले ही लिच अपने फ्लैशिंग स्ट्राइक से एक बहुत ही ऊंचा जंप मारता है। डॉन को इस बारे में पहले से ही पता था और यही उसका प्लान था। वो तभी उस जगह पर एक ग्रेविटी का तूफान लाता है। वो बोलता है कि लिच रोशनी की स्पीड से भागता है ना, पर इस हमले से लिच बच नहीं सकता। लिच इस हमले से बचने की पूरी कोशिश तो करता है, पर आखिरकार ये तूफान उसको निगल लेता है और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी डॉन उस हमले को एक छोटा सा बॉल बना के उसको वहीं पे कुचल देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था प्लैनर के एपिसोड 23 की पूरी कहानी। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। तो फाइनली आज की इस वीडियो को यही एंड करता है। आरा आरा सायोनारा।